इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य विद्यापति श्रीमन श्री सदा सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। राजेंद्र जैन ने रखे गुरु नमस्ते। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अग्रस्त समय दृष्टि श्रावक जो होता है वह सप्तवसन, रात्रि भोजन का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन करना, पानी छान के पीना सब क्रियाएं करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको अवृत्ति क्यों कहा जाता है? अविरत गुण स्थान के भी दो भेद। एक जैन कुल में जन्म लेने वाला जो अविरति है उसके अंदर जिन त्यागों की तुम बात कर रहे हो ये त्याग नहीं है, ये कुलाचार है। ये तो कुलाचार है, कुल में नहीं होता है। रात्रि जैन कुल की परिभाषा है रात्रि भोजन नहीं होना, पानी छान के पीना, अभक्त सेवन नहीं करना, देव दर्शन करना, अभिषेक, ये तो जैन कुलाचार है, धर्माचार नहीं है। तुम लोग अपने आप को थोड़े से त्याग करने के बाद अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाते। हम तो धर्मात्मा है रात्रि में नहीं खाते, हम तो धर्मात्मा है बाजार का नहीं खाते, हम तो धर्मात्मा है अभिषेक पूजन नहीं करते। अरे ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है, ये तो कुलाचार है। यानी तुम्हारे बाप दादे भी नहीं खाते थे, कुल में होते ही नहीं है। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस वहां से धर्म शुरू होता है। जो कुलाचार से रूप से नहीं चल रहा था तुमने अलग से धर्म लिया है, और जो अजैन लोग होते हैं धीवर चांडाल आदि होते हैं इनका ये कुलाचार नहीं है, उनके कुल में होता ही नहीं था। तो वो यदि एक दिन का भी त्याग करते हैं तो वो धर्म की कोटि में आता है, उनको अनुमृति की कोटि में ले लेते हैं। चांडाल ने चौदस की हिंसा का त्याग किया, मातंग ने कौए का मांस का त्याग किया, क्योंकि उसका कुलाचार मांसाहार है। वो अपना एक नया पुरुषार्थ शुरू कर रहा है, नया कार्य कर रहा है, इसलिए उनके संबंध में प्रशंसनीय है कि वो धर्म कर रहे हैं। आपने ये त्याग किया तो आपका तो कुलाचार है। दूसरी बात, इन सब चीजों के त्याग करने पर जो सर्वघाती प्रकृति अप्रत्याख्यान है वह नाश को प्राप्त नहीं होती। रात्रि भोजन त्याग करने वाला रात्रि में ध्यान करेगा कि मेरा रात्रि में त्याग है, दिन में तो सावधान नहीं है। देव दर्शन वाला सुबह दर्शन के समय ध्यान करेगा, मुझे अभी दर्शन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, दिन भर तो फिरिए। मैंने इसको सोचा कि जो इतने जैनी लोग सब त्याग करके बैठे हैं तो इनका गुणस्थान क्यों नहीं बढ़ता, अविरति क्यों है? क्योंकि इसमें मात्र सुबह टाइम आपको जिनका अभिषेक पूजन का नियम है उनको अभिषेक पूजन करने का भाव कब आता है? सुबह सुबह, दिन भर में भाव हो चुका हो। रात्रि भोजन में कब याद आता है कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग है? जब शाम हो रही हो। तो इन सब चीजों में 24 घंटे सावधानी नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रतिमा ले लेता है तैसे ही 24 घंटे सावधानी, उठते समय, बैठते समय, बोलते समय, चलते समय, व्यापार के समय, कपड़ा पर, यानी एक भी ऐसी क्रिया नहीं है जिस समय उसको अपने व्रतों का ध्यान न रखना हो। जिस कार्य में 24 घंटे कोई भी क्रिया करो आपको व्रत होने की अनुभूति होना चाहिए, मैं व्रती हूं, तो वहां से गुणस्थान बढ़ता है। ये जो आप लोग नियम लेते हो इनमें 24 घंटे अनुभूति नहीं होती कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, शाम को अनुभूति होती, जब शाम होती है अरे भाई जल्दी करो रात हो रही है, मतलब उतनी देर के लिए अनुभूति होगी।
24 घंटे अनुभूति से परे, देव दर्शन अभिषेक का सुबह टाइम होगा, भाई हमने अभी अभिषेक नहीं किया है, अभी मैं भोजन नहीं करूंगा, 24 घंटे फ्री हो गया। तो इसी बातों को ध्यान में रख करके, क्योंकि प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा है, तो प्रति समय वहां सावधानी भी है। अभिषेक चरण मोदी भेजते ही जिला बैतूल एमपी गुरु नमस्तु। राज्य की जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ नीच गोत्री क्षुल्लक बन सकता है और श्रावक उसकी पूरी परिचर्या करवाते हैं, आहार आदि आपने कहा, तो महाराज जी आहार दान, मूर्ति का स्थापना और पंचकर्म में इंद्र आदि बनना, अभिषेक आदि करना, तो उसकी पूर्व इन क्रियाओं को क्यों नहीं कर सकता? क्या ये क्रियाएं उनसे बड़ी होती हैं क्या जो नीच गोत्री क्षुल्लक बनते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उसकी एनर्जी नकारात्मक है, उसका खून नकारात्मक है, उसका सब कुछ नकारात्मक, स्पर्श दोष आता है। जब व्यक्ति का सारा खुद आचरण से उसका जो संस्कार है, उसका जो भावना है, वो निम्न गोत्री होने से उनके परिणामों में वह स्थिति नहीं बन पाती। उसके माध्यम से स्पर्श दोष से भी मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कहा गया कि मांसाहारी निम्न गोत्री मूर्ति का स्पर्श करने तो पुनः पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करना पड़ती है, पुनः प्रतिष्ठा करना पड़ती है, यानी उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाती है। चोर आदि मूर्ति का स्पर्श कर लेते हैं, पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है, जिसको अपन बाहर एक आज सुधारवादी प्रक्रिया में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पहले इनका बहुत बड़ा रहस्य था। एक दूसरे के छुए का पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना। मुनिराज आज भी आप लोगों से अशुद्ध में भोजन क्यों नहीं देते, अशुद्ध कपड़ों में भोजन क्यों नहीं देते? उस भोजन में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो साधु के मन को बिगाड़ सकती है, साधु के मन को अशुद्ध कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी गहन शोध की बात है। ऐसा स्वर्गीय राजीव जैन अमरपाटन गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो चुगली गादी करती हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए, चुगलखोर को? चुगलखोर को तो क्या कहे, चुगलखोर की तो दुर्गति होती है नियम से, क्योंकि चुगलखोर या तो त्रियंश बनेगा या फिर नारकी बनता है। क्योंकि इधर की बात उधर कहना कई लोगों की आदत होती है, स्वभाव होता है, बस किसी की बात वो किसी के मुख से सुन भर लें, अब उनको फिर गैस बनना शुरू हो जाता है। अब वो उसकी बात कहे बिना वो रहेगा नहीं, किसी ना किसी से किसी ना रूप में कहेगा, आपको मालूम वो आपके संबंध में ऐसी बातें कर रहे थे। बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे लोग कुछ का जाचित पुण्य भी करें तो अम्बावारिस नाम के देव बनते हैं, सबसे निम्न देव कहलाते हैं, सबसे निम्न। कुछ का जाचित उन्होंने और पुण्य किया हो और फिर भी चुगलखोरी करते हों तो वो नीच जाति के देव जो अम्बावारिस हैं, जो नरकों में जा करके भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो कई लोगों का नेचर होता है मायावी रूप, छल कपट रूप, इसके कहना उससे, और बड़े धीरे से कह, देखो भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फलाना व्यक्ति ये कह रहा था, देखो साहब मेरा नाम मत लेना। ये सब दुनिया की दृष्टि में बच जाओ, कर्म की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में कोई बच नहीं सकता। ये दो ऐसे कैमरे हैं, कहीं कहीं आप लिखा रहता है सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। इसी प्रकार प्रकृति कहती है सावधान, आपको दो कैमरे की नजर में, एक तो सर्वज्ञ भगवान और एक कर्म का विधान। ये दो कैमरे ऐसे हैं जिसमें कितना भी अपने आप को सफाई दो, कितना भी छुपाने का प्रयास करो, कुछ नहीं होने वाला। उस कैमरे में आओगे तो आप अपराधी की कोठी में आओगे, सजा भोगना ही पड़ेगी। अनिता जैन रामगढ़ मंदिर राजस्थान गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो प्रदूषण पर्व आने वाला है तो इन प्रदूषण पर्व के दिनों में श्रावक
क्या मात्र एक जगह रुक कर करके ही पूजा आराधना करे, या अगर उसके भाव हो तो 10 दिन अलग अलग क्षेत्र में की वंदना करके वह पुण्य लाभ ले सकता है? कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों पर भी जा सकते हो, अलग अलग क्षेत्र की पूजा भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार से आपको अपना उपयोग पर्व के दिनों में धर्ममय बनाना है, तरीका कोई भी हो सकता है। श्रीमती शीला जी जैन पाटनी, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्रावक अवस्था में हम लोग बिना परिग्रह के रह नहीं सकते हैं, तो इस अवस्था में श्रावक को परिग्रहानंदी आर्द्र ध्यान से, रौद्र ध्यान से कैसे बचना चाहिए? बच सकता है, वस्तु स्वरूप के अंदर में। हम अभी दो दिन पहले प्रवचन ही दिया था, पाप तो करना पड़ते हैं, बस इतना सा भाव आ जाए ये मेरा स्वभाव नहीं है, वो सभी खाता है छोड़ता नहीं है, लेकिन भाव ये करता है ये कब छूटे ये स्वभाव नहीं। परिग्रह ग्रहण करता है, 6 खंड का राज्य प्राप्त करता है, 6 खंड का अधिपति बनता है। जब उससे पूछा जाए क्या यह तुम्हारा स्वभाव है, बोले नहीं स्वभाव तो नहीं है, फिर क्यों ग्रहण कर रहे हो? 3 कारण है, मजबूरी है, आवश्यकताएं की पूर्ति करना है, मजबूरी है परिवार आगे पीछे, मजबूरी है समाज में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मजबूरी है मेरे कर्म का उदय ऐसा ही है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन फिर भी मन बाहर जाता ही है, तो कभी कभी कर्म की मजबूरी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति चाहता हुआ भी छोड़ नहीं पाता। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। पूज्याचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति, स्वाध्याय करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, फिर भी ये मन पता नहीं किस दरवाजे से कब बाहर दौड़ जाता है, जब बाहर पहुंचता है तब पता चला अरे ये तो भाग गया। स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता, मन रमाता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे, कोई नहीं, आप लोग भी नहीं चाहते, हम लोग तो चाहते ही नहीं, आप लोगों को भाव रहता है कि मेरे मन में कोई बुरे भाव नहीं आए, लेकिन पता ही नहीं चलता कब बुरा भाव आ जाता है, जब बुरा भाव होने लग जाता तब पता चला अरे मैं तो गलत हो गया। तो श्वान की उपमा दी, मन को कुत्ते के समान कहा, कुत्ते का कितनी लालन पालन करो, कितनी अच्छा खिलाओ पिलाओ, एसी गाड़ी में घुमाओ, लेकिन जैसे उसका पट्टा खोलेंगे तो वो गंदगी की तरफ ही जाता है। ऐसे मन को कितनी संस्कारित करो, तो कभी कभी कर्म ऐसे तीव्र दर में होते हैं कि वे तद्रूप परिणाम करा लेते हैं, लेकिन जो मैं अभी 3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ कम से कम समझो तो सही, पाप नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं, पाप को समझो, ग्रंथ समझ में नहीं आता है तो मत समझो पढ़ो, गुरु की बात समझ में नहीं आती है तो मत समझो सुनो, भगवान के दर्शन करने में मन नहीं लगता है मत लगने दो दर्शन करो, कम से कम नेत्र इंद्री भगवान को तो देख रही है, मन बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, पर आंखों से क्या देखोगे, भगवान को देखोगे, दर्शन करो, मन नहीं लगता है तो करो, समझ में नहीं आता है तो भी प्रवचन सुनो, कुछ भी समझ में नहीं आना पर सुनूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन पढ़ो, ऐसे जीवों का भी कल्याण हुआ है, जिनको नमोकार मंत्र समझ में नहीं आया, नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, सुनने मात्र से बेड़ा पार हो गया, सुनने मात्र मार सुना था सेठ जी ने नमोकार मन सुनाया, इधर सुना आगे पार पीछे, सेठ जी ने कहा नमोकार मन पढ़ो, सुन लिया, अब सुनने के बाद भूल गया क्या कहा था, या क्या कहा था, द्वारा पढ़ भी नहीं पाया, तो उसने क्या कह दिया, सेठ जी ने क्या कहा मुझे कुछ पता नहीं है, जो सेठ जी ने कहा उसको लिए मैं नमस्कार करता हूं,
बस नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई और अंजन निरंजन बन गया। सुनो मात्र, मत समझ में आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषार्थ तो करो, मत छोड़ पाओ कोई पाप, लेकिन समझो तुम रात भोजन नहीं छोड़ पा रहे है, कम से कम इतना तो ज्ञान करो कि ये पाप है, पाप है, बुरा है, गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, आदत से लाचार हूं, मैं कर्मों का मारा हूं। इतना भी यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक ना एक दिन तुम्हारे परिणामों में ऐसी ताकत आएगी कि तुम उस दोष से मुक्ति पा जाओगे। सचिन जैन सिंगापुर, गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि परिसह और उपसर्ग दोनों एक हैं, इसमें कुछ अंतर है? अंतर परिसह जो है यह पहले से तैयारी करके सोच के किया जाता है, परिसह को मैं सहन करूंगा, और उपसर्ग जो है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो उपसर्ग आ जाता है तो उसको भी सहन करता है। निर्मल जैन अशोकनगर, गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न भी है कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? उपसर्ग चार प्रकार का, प्रकृतिकृत, त्रियंशकृत, मनुष्यकृत और देवकृत, ये चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जो बिजली वगैरह गिरती है महाराज जी आकाश से, प्रकृतिकृत, जो बाढ़ आना, अकाल पड़ना, ये प्रकृतिकृत उपसर्ग कहलाते हैं। त्रियंशों के उपसर्ग अपन जानते हैं, त्रियंश मार दिया, खा लिया। मनुष्यकृत उपसर्ग, देवता भी उपसर्ग करते हैं ऐसा। पलक जैन मंगावली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि सलाखा पुरुष एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र से आपस में मिलते क्यों नहीं है? नियोग, दो सूर्य कभी टकराते नहीं, और कभी इनका एक नियोग है, क्योंकि दो वैभवशाली टकराएंगे तो या तो भिड़ंत हो गई तो ऐसी होगी कि दोनों मरेंगे नहीं, लेकिन उनके पक्ष में रहने वाले सब मर जाएंगे यदि टकराहट हो गई तो। भारत का जब कानून बना तो एक नियम बना कि तीनों सेना अध्यक्ष कभी अकेले में तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, राष्ट्रपति के सामने ही तीनों बैठ सकते। क्यों? तीनों सेना अध्यक्ष कभी एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते, तीनों यदि एक साथ बैठेंगे तो बीच में राष्ट्रपति को बैठना पड़ेगा। क्यों? इसलिए यदि तीनों मिल गए एक हो गए तो फिर देश का क्या होगा है? इसलिए राष्ट्रपति की साक्षी में ऐसे ही महान आत्माओं का दूर दूर रहना ही ठीक। और दूसरा निरुपयोगी है, जब एक से काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है? निश्चय जैन बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं उनमें भी किल्विस आदि के देवों की व्यवस्था होती है, तो ऊपर स्वर्ग के किल्विस देवों का जो वैभव हुआ करता है, क्या नीचे के स्वर्ग के इंद्र से ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है, सब जातियों का ज्यादा होता है, उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनका वैभव ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा होता है। कैलाश चंद जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इसे मंदिर में भगवान की अभिषेक करते तो मंत्रोच्चारण करते हैं, वैसे ही आचार्य साधु उपाध्याय पत्नी जो साधु विराजमान है तो उनके पाप प्रक्षालन के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। जिनेन्द्र भगवान के लिए ही बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय इतने पवित्र नहीं है कि बीजाक्षर उनके चरणों में डाला जाए। मुनि महाराज बीजाक्षर की वंदना करते हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए उनके और चरणों में। तीर्थंकर इतने महान हैं कि वे स्वयं बीजाक्षर रूप हैं, तो उनसे तो स्पर्श हो सकता है। मुनिराज के चरणों का अभिषेक होता है बीजाक्षर पढ़ करके, यानी बीजाक्षरों को चरणों में डालना है नहीं, ओम भी नहीं बोल सकते, ह्रीम भी नहीं बोल सकते, पूजा में बोल सकते हो,
अभिषेक के करते समय आचार्य उपाध्याय का कोई मंत्र नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यह मंत्र जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं सप्त धातु से सहित होते हैं, शरीर आदि में उनकी स्थितियां दूसरे प्रकार की होती हैं, इसलिए मंत्रों के द्वारा मंत्रित नहीं है, पादाभिषेक का उल्लेख तो जरूर मिलता है। सर स्मिता मोगलकर जैन लातूर महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि शांतिनाथ भगवान के पुराण में आया है कि सौधर्म इंद्र जन्म कल्याणक के पर्व पर ऋचाओं के माध्यम से मंत्र का उच्चारण करता है और उसके पश्चात दूर्वा जौ अक्षत कुछ कुसा आदि विधि पूर्वक वर्धा पान किया, तो ये कुसा दूर्वा जौ ऋचाओं इनका अर्थ क्या है? कुसा जौ ऋचाएं ये सब पूजा के अंग कहलाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं। आज भी अपने यहाँ मक्के के दाने का प्रयोग मिलता है, श्रेष्ठतम चावल है। यदि चावल नहीं है और कोई ने गेहूं चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूजा के अंग हैं, कई बार कई क्षेत्रों में कई स्थानों पर इस प्रकार की प्रणतियाँ होती। आदेश जैन शरणार्थी सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि मरण करके कहाँ जन्म ले सकता है, कहाँ कहाँ तक? सम्यक दृष्टि मरण करके कहाँ कहाँ तक जन्म ले सकता है? सम्यक दृष्टि तो यदि बद्धायुष के नहीं है तो नियम से प्रथम स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ तक कहीं भी जन्म ले सकता है। यदि बद्धायुष के है तो त्रियंश में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, प्रथम नरक में भी जा सकता है। सुनीता जैन ने भाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है स्वर्ग नरक कहाँ पर है, स्वर्ग और नरक कहाँ पर है, क्योंकि शरीर तो यहीं पर जलकर खाक हो जाता है, तो स्वर्ग नरक मैं यदि बता दूंगा तो आप जाना पड़ेगा फिर। हाँ तो अब है, बस है, अब कहाँ पर है, यदि इतने होता तो अभी तक मैं किलोमीटर लगवा देता और सीढ़ियां लगवा देता, एक तलघर की और एक माले की। है कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्षेत्र विप्रकृष्ट कहलाते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे, सर्वज्ञ भगवान ही। सर्वतः बोलो, आज शिक्षक दिवस है, उत्तम चर्या धारक दिगंबर साधु सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षक है। कुशल वेद विष का शोधन कर उसकी मारक शक्ति को नष्ट कर रोगनाशक औषधि बनाता है, उसी तरह उत्तम चर्या धारक गुरु हमारे अंतस के राग देश कषाई रूपी रोगों को अपनी देशना अपनी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से मानव जीवन का सार, मानवता का मार्ग दर्शन कराते हैं। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जिज्ञासा समाधान के पण्डिता के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा क्लश सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुनि श्री, आज मुझे वो पल याद आ रहा है, 22 तारीख को, अगस्त को, आपने अपनी जिज्ञासा में भूगर्भ के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया था। आज उसी भावनाओं से हम देख रहे थे, जब सवेरे शांति धारा और अभिषेक चल रहा था, एक महिला के भाव मन में भाव आया कि ये कैसी पीड़ा है, यहाँ पे इंद्र की पोशाक धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्रों में आदमी जो है अभिषेक के लिए लालायित है और यहाँ का स्थान कम पड़ रहा है, महिलाएं देव दर्शन और अभिषेक को इसलिए दर्शन नहीं कर सकती कि ये स्थान छोटा पड़ रहा है। उन्होंने बड़ी मन की पीड़ा आज जाहिर की आपके चरणों में और आज उन्होंने पुण्य अर्जन किया गर्भगृह के विस्तार का, परिवार जनों ने। ये लोग क्या है, कुछ लोग ऐसे भगत होते हैं, ये सीधी पहले भगवान से बात करते हैं और बाद में भगवान मेरे मुख से कहलवाते हैं। तो जब मैं भगवान आदिनाथ भगवान के चरणों में बहुत दिन से कर रहा था कि लोग हमसे जब हम नीचे उतरने लगे तो महिलाएं, महाराज जी
ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, मुझे दर्शन करा दो, मैं अभिषेक देखना चाहती हूँ। इतनी दूर से आई हूँ और मेरे मुझे अभिषेक देखने को नहीं मिल रहा है। आदिनाथ भगवान के तो अभिषेक देखने आया, तब मुझे इतनी वेदना हुई कि मन की भगवान या तो आप बाहर निकलो और या फिर भक्तों को अंदर आने का स्थान दो। अब मेरे मन में क्लेश आता है तो मैं छोटे मोटे से तो लड़ता भिड़ता हूं नहीं, अपन तो बड़ों से सीधे भिड़ते, क्योंकि बड़ों से भिड़ने से काम हो जाता है। तो मैंने कहा भगवान या तो आप बाहर निकलोगे, आप ऊपर आइए और बाहर विराजमान होइए और सबको दर्शन दे, और अन्यथा यदि आपको नीचे रखना है तो फिर आप इतना स्थान बनाइए कि सारे लोग अभिषेक देख सके। जिसका परिवार का व्यक्ति बोली ले रहा है उसके परिवार की महिलाएं ऊपर बैठी, अब नीचे भी मैंने देखा जाके, तो मैंने कमेंट दिया तो बोले महाराज जी आप ही बता दो कहां बुलाऊं उनको। बिल्कुल सत्य है महाराज, कहां बुलाऊं देख लीजिए। और उस दिन जैसे ही निकला तो भगवान से इन लोगों की बात हो गई होगी, और आशा रानी महन तो ये भगवानों के इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि विदेश में भी गए तो स्वयं के साथ भगवान को भी ले गए। वहां भी उन्होंने जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया और यहां से प्रतिष्ठा करा के ले गए। देखो उन्होंने कहा नहीं, मूर्ति तो मुनि महाराज के द्वारा ही सूर्य मंत्रित होना चाहिए, पंडितों से नहीं कराई, यहां प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा कराने के बाद वहां ले जाकर के विराजमान की। तो जब भक्ति अंदर से होती है तो मैंने कहा भगवान कौन बनाएगा कौन, तो उन्होंने कहा कि तुम घोषणा करो। और मैंने उस दिन भी कहा था मैं कभी किसी चीज को नहीं बोलता, मुझसे कोई बुलवाता है। और अभी तक रिकॉर्ड है जो चीज मैंने मुख से निकाली उसका कोई ना कोई दुनिया में कहीं है जो बुलवा रहा है। अब इतना तो मुझे ज्ञान हो गया, ये तो मुझे आभास हो गया, पकड़ में आ गया कि जब मैं कोई चीज बोलता हूं, कोई घोषणा करता हूं, तो ये तो पक्का है कि दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति है जिसका पुण्य बुलवा रहा है। बस अभी इतना ज्ञान और हो जाए वो ज्ञान कि जिस दिन बोलूं उसी दिन पता चल जाए, जिस दिन बोलूं उस दिन। अब वो विषय अवध ज्ञान का है, शुद्ध ज्ञान का विषय इतनी है कि कोई ना कोई है, वो कौन है अवध ज्ञान। अवध ज्ञान मुझे है नहीं, लेकिन शुद्ध ज्ञान भी कभी झूठा नहीं होता। आज देखो कितना बड़ा पुण्य, कितनी बड़ी परिणति आज गर्भालय के लिए, जिसका विस्तार एक ऐसी चीज बन रही है, इसके पुण्य की कल्पना करो, पुण्य की कल्पना करो। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करेगा, अभिषेक करेगा, और मैं कह रहा हूं एक दिन कितने लोग हैं जो सुबह कपड़े नहीं बदलते, बोले स्थान ही नहीं मिल रहा वहां, भीड़ भाड़। एक दिन ऐसा आएगा पूरा हाल धोती दुपट्टाओं से भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि मूर्ति का जो वैभव निखर रहा है और विस्तार के साथ वहां जो दो मूर्तियां और बाजू में विराजमान होना है, और दोनों तरफ दोनों पांड्य परिवार की तरफ से मैंने अभी राशि से सब निकाल लिया, एक और मुनि सुब्रतनाथ और एक और पारसनाथ भगवान विराजमान है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और वो अब जो तलघर बन रहा है उसकी सारी नक्शा तो मैं बोलूं, तो मेरा कहना है आप ये हर व्यक्ति जो आज इतने झगड़े करते हैं, लोग नीचे पूजा करने बैठ जाते, कमेटी उठाती है, उनको बड़ा क्लेश होता है, मन मार के ऊपर विधान करते हैं, सभी कहाँ करना चाहते हैं, नीचे ही करना चाहते। अब ऐसा हाल बन जाएगा सभी आदिनाथ भगवान के सामने विधान करेंगे, पूजन करेंगे, सैकड़ों लोग बैठ करके एक साथ, बहुत बड़ा। मैं खुद कहता हूं, मैं खुद नवीन मंदिर बनाने का खूब बनवाता हूं, लेकिन 8 नवीन मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का विकास करना 8 नए मंदिर के बराबर होता है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर बहुत बड़ा प्राचीन है,
बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया। आज पूरे परिवार को, महेंद्र जी अभी यहाँ नहीं है, उनको आशीर्वाद, संजय को और दूसरा क्या नाम, राजीव, राजीव है ना, हाँ, दोनों बेटों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार को आशीर्वाद। मुनिश्री जब पुण्य अर्जन कर रहे थे तो आप एक शब्द इन्होंने कहा, क्योंकि आपकी जिज्ञासा समाधान को प्रतिदिन ये श्रवण करते हैं, आपकी जिज्ञासा समाधान में आया था कि एक व्यक्ति ही आएगा और इसका पुण्य अर्जन करेगा, ये आत्म से इतने आनंद से खुश थे कि मुनिश्री का आशीर्वाद मिल गया। मेरे ऊपर ये भी दबाव आया कि इतना बड़े मंदिर को इतना बड़ा नहीं करके आप तो फुटकर राशि कर दो, 11-5 एक एक कलश की राशि कर दो तो जरूर आपको 400-500 नाम 2-3 दिन में मिल जाएंगे। मैंने कि चंदा चिट्ठा में मजा नहीं है, चंदा चिट्ठा कहलाता है और एक एक कहलाता है। पधारे दानवीर भामाशाह चक्रवर्ती पद की ओर अग्रसर, पांड्या परिवार के सभी सदस्य पधारे, आशा रानी जी पांड्या साहब पधारे, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहती है पूरे पांड्या परिवार का। उर्मिला जी और निशा जी पधारे और कमेटी के सभी पदाधिकारी पधारे और पांड्या परिवार के सभी पधारे, सुरेंद्र जी महावीर जी साहब भी पधारे, और निवेदन शैलेश भैया शास्त्री जी से पधारे। इसके बाद हम अभी जब तक आप हाँ पधारे। आज सवेरे आशा रानी जी ने शांति धारा का पुण्य भी अर्जन किया आप, और उसी समय आपको ये भाव हुआ कि महिलाएं कितने इस चीज से पीड़ित रहती हैं कि अभिषेक और शांति धारा का दर्शन लाभ नहीं कर पाती हैं, और उसी समय आपका भाव बना और गुरु चरणों में आपने निवेदन किया, मन से जो कार्य होता है वो फलीभूत अवश्य होता है। ऐसे पांड्य परिवार जिसनों जो कि चक्रवर्ती पद की ओर अग्रसर है, ये जो मुकुट लगा रहे हैं ना सब लोग, देखो ये भी मुझे तलघर भूगर्भ में मिला है मुकुट, इसके साथ एक चांदी का हंडा मिला था और ये मुकुट मिला था। लगता है कि हो सकता है उस समय बना हो जब मूर्ति आई हो, तलघर के अंदर एक हंडा और ये मुकुट एक साथ मिला था, है ना, ये भी उसी समय का है, हो सकता है मड़िया जी ने बनवाया हो। हाँ महाराज जी, मुनिश्री ने निर्यापक श्रमण ने कुछ दिनों पूर्व एक गुफा का द्वार खोला और उसमें से ये चांदी का खजाना निकला। जो ये मुकुट है, देखने के बाद में ही ऐसा लग रहा था कि राजा महाराजाए दीवान इस तरह का मुकुट पहनकर अभिषेक और शांति धारा करते होंगे। आज ये मुकुट जो चक्रवर्ती पद की ओर अग्रसर है आशा रानी जी पांड्या और उनका परिवार, उनका सम्मान स्वरूप ये उनको धारण कराया जा रहा है। शैलेश जी पधार। बंधुओं, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का ऐसा कार्य है, कुछ लोग सपने देखते हैं, बुन नहीं पाते, साकार नहीं कर पाते, लेकिन पूज्य श्री ऐसे अनोखे संत हैं कि वे सपने देखते भी हैं, बुनते भी हैं और साकार भी होते हैं। अब यदि संगी मन का आश्रय नहीं होता तो हमें सम्यक दर्शन ही नहीं होता। पंच इंद्रियां कर्म है, ये पांचों इंद्रियां अपने पास नहीं होती, आंख कान नार, तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। आज हम मुनि बने हैं, यदि ये शरीर मनुष्य शरीर नहीं होता, औदारिक शरीर नहीं होता, शक्ति नहीं होती, तो बताओ मुनि व्रत कहां से होता। तो मुनि व्रत का, मनुष्य गति का आश्रय, वज्र सम नारायण संगन का आश्रय, इससे कैथंचित उपकारी भाव भी है। जब तीर्थंकर बनते हैं, यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता तो आज दुनिया में अपने पास कोई उपदेश देने वाला नहीं बचता, नहीं होता, कोई नहीं होता, क्योंकि सामान्य केवड़ियों का भरोसा नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के कारण से, तीर्थंकर बंध के कारण से जगत कल्याणी प्रकृति कहा। पूर्व पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने गाथा की टीका में कहा जगत कल्याणी प्रकृति। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो बंध और आश्रय उपादेय तो नहीं कहूंगा लेकिन उपकारी जरूर है, उपकारी जरूर है। तीन चीजें आती हैं, हे उपकारी और उपादेय। तो आश्रय और बंध हे भी हैं और उपकारी भी हैं, उपादेय नहीं है।
क्योंकि उपाधि तो कर्मों से रहित अवस्था ही होती है। दूसरी बात, सिद्धांत ग्रंथों में जो प्रमादों के भेद आए हैं, उन सभी प्रमाद के भेद छठे गुण स्थान में पाए जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि सारे प्रमादों के भेदों को हम मानेंगे तो कुछ प्रमाद ऐसे हैं जो मुनि पद पर संभव नहीं है, लेकिन उनका अंश कभी भावनात्मक, दो प्रकार का प्रमाद होता है, कभी मन से, कभी वचन से और कभी काया से। तो कुछ प्रमाद ऐसे हैं, काया से जो प्रमाद हैं वे छठे गुण स्थान में नहीं होंगे, वचन से हो सकते। कुछ प्रमाद ऐसे हैं जो वचनों से नहीं होंगे लेकिन कुचित कजात मन से हो सकते हैं। तो ऐसी व्याख्या करके उन प्रमादों को छठे गुण स्थान में लगाना चाहिए। रही बात गोमरसार कर्मकांड के दिन पढ़ने के अध्ययन के लिए, तो इन ग्रंथों के लिए यदि अष्टमी और चौदश को गौण करते हैं तो ठीक है। हालांकि जो इसका फल लिखा है, संग विच्छेद नाम लिखा है, अष्टमी चतुर्दशी को करने से गुरु शिष्य में कल है, संग विच्छेद की स्थितियाँ, ये जो दोष दिया है, इस दोष से तो ये लगता है कि ये साधु संतों की बात है, लेकिन आप लोग भी यदि गोमरसार कर्मकांड जैसे ग्रंथ को अष्टमी चतुर्दशी का यदि टालते हैं तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। आज हमारे मध्य छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पारस चैनल के निर्देशक मंडल यहाँ पर पधारा है, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती है। पधारे गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त के लिए पंकज जी साहब दिल्ली, प्रकाश जी मोदी साहब, अनिल जी साहब जबलपुर, भव्य जैन और मेरे भ्राता श्री विनोद जी टोड़ी साहब पधारे, और कमेटी के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, नरेश जी से, सुरेंद्र जी से, ओम जी से, राजेंद्र जी भाई साहब से निवेदन, कृपया इनका श्रेष्ठ महानुभावों का, ज्ञानेंद्र जी भाई साहब भी पधारे, इनका अभिनंदन और स्वागत के लिए निवेदन। इसी के साथ आज जो है कल मुनिश्री का पड़गान का अवसर पुण्य अर्जन किया था शीतल जेलवर्स वाले परिवार ने, तो कितना बढ़िया योग है, पारस चैनल टीम का चैनल पर स्वागत हो रहा है लाइव में, यही तो सामंजस्य होना चाहिए, यही तो एकता होना चाहिए। अपन को चैनल से मतलब नहीं, अपन को जैनत्व से मतलब है। और तैयार रहेंगे आरती जैन गुना महाराज श्री वाराणसी वीरेंद्र कासली वाले मेरे सर सपरिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज सारी मेरी जिज्ञासा है कि भावनाएं 16 होती है पर पर्व 32 क्यों होते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। इस संबंध में आगम में कोई भी तर्क या लॉजिक देखने में नहीं आया, बहुत प्रयास किया, मेरी दृष्टि से यह ऐसा संभव हो सकता है कि 16 कारण के 16 दिन होते हैं और 16 उपवास करने में आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है, एक साथ 16 उपवास करने, एक साथ इसलिए व्यवस्था बनाई गई हो शायद कि एक आहार एक उपवास करके 16 भी हो जाएंगे और आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, इसलिए 32 दिन का सिस्टम इस उद्देश्य से रखा गया, क्योंकि कई बार 16 उपवास करने वाले लोगों में आकुलता हो जाती है, कई बार तो जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, लोग भावनावश श्रद्धावश कर तो लेते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखने में आता है, तो ये शायद सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया गया हो, लॉजिक कोई अलग से देखने में नहीं आया, लेकिन ये निश्चित है कि 32 दिन के 16 कारण माने जाते हैं ऐसा है। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है आरती जैन गुना और तैयार रहेंगे दिव्या जैन 12। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अवधि ज्ञान से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जाना जाता है, महाराज श्री काल और क्षेत्र की मर्यादा तो समझ आती है लेकिन द्रव्य और भाव से क्या समझें? द्रव्य की भी मर्यादा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी संपूर्ण द्रव्य को नहीं जानते, सीमित द्रव्य को जानते, जितने पुद्गल द्रव्य है पूरे पुद्गल द्रव्य को नहीं जानते, स्थूल द्रव्य को जानते और पूरे पुद्गल द्रव्य तो अनंतानंत है, तो अवधि ज्ञान अनंतानंत द्रव्यों को नहीं जानता, भाव की अपेक्षा संपूर्ण भावों को नहीं जानते, अनंत अनंत जीव राशि है तो अनंत अनंत जीव राशि के अनंत अनंत भाव हो सकते हैं, उन सभी को नहीं जानते, तो सीमित भावों को जानते हैं
सीमित द्रव्य को क्षेत्र काल को जानते हैं समन। आमंत्रित हैं ज्ञानेंद्र जी भाई साहब गदिया सूरत और तैयार रहेंगे दिव्या जैन 12। ज्ञानेंद्र जी भाई साहब गदिया सूरत। निर्यापक श्रवण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी को ज्ञानेंद्र कुमार जैन गदिया परिवार सब नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी जैसे कि कल मेरी मौसी यहाँ पे थी सुबह पहले, मैं वैसे रोजाना मेरी आदत है कि मैं घर से अपने धोती दुपट्टा पहन के और सामग्री को धोकर के और मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ। तो जैसे वो यहाँ पे मेरी सामग्री कल धोने को मतलब तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा था नहीं नहीं मेरी सामग्री में धोती दुपट्टा वहाँ पे जाके अभिषेक और शांति धारा करता हूँ, इसलिए आप सामग्री मेरी मत धो। तो वो बोले कि अजमेर में भी हमारे ऐसे ही होता है कि कोई लोग हमको हाथ लगाने देते नहीं, ये क्या कारण है। मैंने कहा मेरे को भी नहीं मालूम। तो अभी तो यही वाला जी क्या है कि क्या उसमें क्या वो कर सकते हैं, जबकि धोती दुपट्टा पहन के हम शांति धारा अभिषेक भी करते हैं मंदिर में जाके ना अलमना। तो कई लोगों में जहाँ तक हमारा बस चलता है वहाँ तक तो हम कर देते हैं, लेकिन सारे मंदिरों में मैं थोड़ी पहुंच पाया हूँ। कई स्थानों पर है कि वो मंदिर के धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, ऐसे ही ना। नहीं महाराज जी, जैसे हमारी जो सामग्री है जो मेरे को जाके अभिषेक और शांति धारा मंदिर में करना है, तो वो ये उनका कहना था कि भाई मैं सामग्री धोके तुमको देती हूँ और उस सामग्री से जाके तुम भले फिर मतलब मंदिर में अभिषेक शांति धारा करो। तुम्हारा जो उनकी छुई हुई जो होती है सामग्री होती है ना, और उस महिलाएं अब देखो बाद में मेरे को शांति धारा अभिषेक करना है महाराज जी बाद में अलमना। देखो क्या है कि स्थितियां बड़ी विचित्र है, यदि उतनी शुद्धि बनाना बहुत कठिन है क्योंकि महिलाओं की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। क्या ये प्रतिदिन सिर से नहाएंगी? यदि सिर से नहीं नहा सकते हैं तो फिर हम इसकी छूट नहीं दे सकते, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब उन परिस्थितियों में क्योंकि ऐसा गौरव चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि उनकी रानियां इस प्रकार की शुद्धि करती थी, शुद्धि रहती थी, वे जाकर के द्रव्यों की बारी बांधती थी कि आज 96,000 रानियां थी, आज इतनी रानियां जाकर के द्रव्य लगाएंगे। लेकिन वे उसी प्रकार के शुद्ध वस्त्र शुद्ध शरीर शुद्ध सब कुछ होकर जाएंगे। यदि हम जनरल उपदेश दे देंगे तो ग्रंथ बाबू कोई एक आध तो कर लेगा, ज्यादातर अभिनय ही होगा, पर लोग उनकी शुद्धि नहीं रहेगी। कौन से कपड़े पहने कैसे पहने क्या छुआ छूत कुछ नहीं, इनका भगवान है इसलिए इन देवियों तो दूर ही रहे तो कृपा बनी रहे। जी महाराज जी नमस्ते महाराज नमस्ते। आप तो अनुमोदना करो, अनुमोदना से पूरा पुण्य मिलेगा। हमने भगवान से पूरा एडजस्ट कर लिया तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कुछ भी नहीं करना, मात अनुमोदना कर देना तुम्हें इनके करने के बराबर पुण्य मिलेगा। हमने एक दिन महिलाओं ने कहा महाराज हमें अभिषेक का पुण्य कैसे मिलेगा, तुमने तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम एक नियम बोलो महिलाएं कि हमारे घर में जितने पुरुष हैं सभी को अभिषेक करेंगे करवाऊंगी तभी मैं भोजन करूंगी, तो तुम्हें बिना अभिषेक किए पूरा देखो महाराज माँ नियम ले बेटे से अभिषेक करवा के रहूंगी, पत्नी नियम ले पति से अभिषेक करा के रहूंगी, बहन नियम ले के भाई से अभिषेक कराई, राखी पर यही नियम दे कि मैं राखी जब बांधूंगी, जब नियम लो कि आप पूरे साल भर भगवान का अभिषेक करोगे। शादी की सालगिरह जन्मदिन पर पति गिफ्ट देवे तो यही गिफ्ट लो कि मुझे एक गिफ्ट दो कि तुम साल भर अभिषेक करोगे। माँ बेटे से भी यही मांगे, यदि ये करा दिया महिलाओं ने तो बहुत बड़ा कृत कारत अनुमोदनाम, तो कारत और अनुमोदना का पुण्य आप लोग कमा सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि एक बार महिलाओं को छूट देने पर शुद्धि के क्या हाल होते। कठिन, एक तो उनके कपड़े तो समझ में आ रहा है कि शुद्धि के, तुम्हारी तो साड़ी समझ में नहीं आई कि शुद्धि की है कि अशुद्धि की है। हाँ कोई पर, इनका तो क्योंकि जो धोती दुपट्टा है मंदिर में पहनते हैं वो दुनिया में और किसी कार्य में नहीं पहनते, अलग से पता चल जाएगा कि मंदिर का है, लेकिन आपकी साड़ी अभी तक मंदिर की सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप जो साड़ी मंदिर में पहनते हैं उसी कलर के साड़ियां अन्य कार्यों में भी पहनने लगे हैं। इसके लिए पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा तब विधान कर सकते हैं, इसलिए अभी आप ही अपने हाथ से धो
जी महाराज नमस्ते 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 महाराज जी। दिव्या जैन 12 और तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी पांड्या साहब इंदौर गुना। मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी मेरी जिज्ञासा है कि भगवान का जो अभिषेक होता है वो किन किन मुद्राओं में होता है? भगवान के अभिषेक की मुद्रा तो पद्मासन ही है, लेकिन चूंकि स्थापना निक्षेप में खड़गासन मूर्तियां भी होती हैं तो कर्ण आगम में नहीं है। अकृत्रिम शैत्यालय में सारे पद्मासन ही होती है, जन्माभिषेक भी पद्मासन में ही होता है, लेकिन चूंकि खड़गासन मूर्तियां होती हैं तो खड़गासन का भी होता है। अब बिहार की मूर्तियां हैं तो बिहार में भी होता है। मुनि अवस्था की मूर्ति है, जैसे पारसनाथ भगवान का जो उपसर्ग है ये मुनि अवस्था का है, अरहंत अवस्था का नहीं है। और मुनि अवस्था में सिर से अभिषेक होता नहीं है, और जो फन था वो मुनि अवस्था का है नहीं। तो ऐसी स्थिति में मूर्ति किसी भी अवस्था की हो, सभी अवस्थाओं की मूर्तियां अभिषेक के योग्य है। सभी अवस्थाओं में अभी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, किसी की भी मूर्ति हो मुनिराज का अभिषेक सिर से होता है क्या? बोलो, नहीं होता ना। लेकिन मुनिराज की मूर्ति है तो होता है। उपाध्याय का सिर से अभिषेक होता है क्या? लेकिन देवगढ़ में उपाध्याय की मूर्ति है, जब भी अभिषेक होता है तो सिर से ही होता है। तो मूर्ति अभिषेक की व्यवस्था अलग है। जिनेन्द्रो का तो अभिषेक ही नहीं होता, जिनेन्द्रो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अभिषेक नहीं होता, लेकिन जिनेन्द्रो की मूर्ति का अभिषेक होता है। इसलिए मूर्ति चाहे बिहार अवस्था में हो, चाहे मुनि अवस्था में हो, चाहे अरहंत अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं में अभिषेक के योग होती है, करना ही चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए सुरेंद्र जी पांड्या साहब इंदौर गुना। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, अभी जो मंदिर जी में कुछ तकलीफ आती है कि कलश होने के बाद हम लोग शांति धारा चालू करते हैं, और शांति धारा देखने वाले बंधु लोग जो लेट आते हैं वो शांति धारा देख लेते हैं, पर उसके बाद भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमको कलश दिखाए जाए, तो क्या ऐसा आवश्यक है जिनने शांति धारा देख ली उनको कलश भी देखना? नहीं, एक व्यवस्था होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। मंदिरों को मुसाफिर खाना मत बनाओ, जब जो आए जो चाहे कर लो, एक व्यवस्था सिस्टम है। अभिषेक पहले होता है तो अभिषेक पहले हो, बाद में शांति धारा हो, और यदि शांति धारा पहले किया है तो फिर अभिषेक की व्यवस्था होना चाहिए। कब तक अभिषेक हो, कितना समय हो, अभिषेक का रेगुलर में कितने समय लग जाए, लेकिन अभिषेक बंद करने के बाद मूर्ति खाली पांडुक शिला पर नहीं बैठना चाहिए। गीली होने के बाद, जैसे आप लोग नहाते हो तो नहाने के बाद आपके शरीर में टॉवल से पहुंचने का अंतराल कितना होता है? आधा मिनट भी नहीं, तुरंत पहुंचते। ऐसे भगवान के अभिषेक के बाद तुरंत मार्जन होना चाहिए। भगवान का किसी इंतजार कर रहे हैं, घंटों मूर्ति बैठी है, ये भगवान का आसाधना है, अभिनय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।